हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, इसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पिछले वाले से रिलेटेड है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो वो भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है, उसके टाइप्स चल रहे थे हमारे, ठीक है। उसको कई भागों में बांटा हमने कि वो मतलब किस किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, कौन सा, जो कटिंग की प्रोसेस होती है वो कैसे कैसे होती है, किस किस तरीके से होती है, वो हमारा हो गया था। अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जिस टाइप होता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा था हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये था हमारा मेन टॉपिक, इसके बारे में हमने पढ़ना था कि ये जो टॉपिक है मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस है वो किस किस तरीके से होती है, कैसे कैसे होगी, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर हमने तीन भाग बांटे, कौन कौन से, कटिंग, दूसरा कौन सा बताया, ग्राफ्टिंग, और थर्ड कौन सा पार्ट था, कटिंग और ग्राफ्टिंग का थर्ड पार्ट था लेयरिंग। ठीक है, ये तीनों मेथड किसके अंदर आते हैं, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसके अंदर आते हैं। अब ये फर्स्ट हो गया था हमारा कटिंग किस तरीके से होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता, जो टॉपिक आता है वो कौन सा है, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्टिंग के बारे में, या फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कलम रोपण भी मिल जाएगा, कलम लगाना, इसके बारे में हमने पढ़ना है कि ये किस तरीके से होती है, ये कैसे कैसे होती है, ठीक है। अब ये बात हो गई इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि देखिए, हम ऐसे बताते हैं प्लांट्स वगैरह हैं उसके अंदर हमें मेनली प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो क्या है, प्लांट के अंदर क्या रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स हमने डिवाइड किए। अब देखिए, इसके अंदर क्या होगा, एक से क्या बने हैं, दो प्लांट्स बने। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन की इसकी परिभाषा क्या होगी, वही तो चीज़ है। कटिंग हमने पढ़ा, तो उससे पहले क्या पढ़ना जरूरी था कि कटिंग क्या होता है, तभी तो प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्राफ्टिंग बोल रहे हैं, तो ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, मतलब ये जो मेथड, हम कौन से मेथड को बोलेंगे कि ये ग्राफ्टिंग है, तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाएगा। देखिए, दो प्लांट्स को जोड़ने का मेथड क्या होता है, ग्राफ्टिंग होगा, वो चीज़ हम ग्राफ्टिंग के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम दो पादपों को जोड़ने की विधि, वो क्या होती है, दो पादपों को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है, वो ग्राफ्टिंग कहलाती है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई इसके अंदर कि हम ऐसे पढ़ेंगे कि दो प्लांट्स को इसके अंदर हम मेनली जोड़ेंगे, तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, वो ग्राफ्टिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड जो है वो किस तरीके से होता है, ये किस किस के अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसके जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए मेनली क्या होगा, हमने क्या बोला, दो प्लांट्स को जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग टाइप के पौधे होंगे, ठीक है। उन अलग अलग टाइप के प्लांट्स को जोड़ा जाएगा, किस तरीके से, उनके जो पार्ट्स होंगे उनको चेंज करके जोड़ा जाएगा, और फिर उन दोनों को जोड़ के क्या बनाया जाएगा, एक तीसरा पादप बनाया जाएगा, नया पादप बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंडीशन होती है वो की जाती है ग्राफ्टिंग के अंदर। हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कौन सा, क्योंकि देखिए इसमें अगर आपसे थ्योरी, मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ, अगर आपसे थ्योरी में पूछ ले ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को बताइए, या फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा जो कायिक जनन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है,
तब इसलिए आपको बताना। पहला हो गया दो पादपों को जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों पादप कैसे होंगे, वो अलग अलग होंगे। दोनों जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। ये बात हो गई, दोनों प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होंगे, ये हो गया। उन प्लांट्स के भी क्या अलग अलग जो भाग होंगे, उन प्लांट्स के अलग अलग भाग, उन भागों को क्या किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो भी पढ़ेंगे, बट जनरली क्या चीज़ होगी इसके अंदर वो पहले पता होना चाहिए। तो पहले स्टेप तो क्या हो गया कि दो अलग अलग प्लांट्स के जो भाग होंगे उनको क्या किया जाएगा, आपस में उनको जोड़ा जाएगा। अब जब दो प्लांट्स को जोड़ दिए तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर एक तीसरा, मतलब दोनों को जुड़ गए, दोनों का संयुक्त होकर के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये संयुक्त होकर के जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, ये संयुक्त होकर के एक नए प्लांट के रूप में, नए प्लांट के अंदर क्या हो जाते हैं, ये नए पादप के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि जो प्लांट होंगे इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक की जो मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई। तो देखिए इसके अंदर मेनली प्रोसेस क्या होगी, मैं उसकी बात करती हूँ। हमने बोला ग्राफ्टिंग, तो मतलब इसमें क्या किया जाएगा, दो प्लांट्स होंगे, पहला तो ये प्रोसेस के दो पादपों को जोड़ने की विधि क्या होती है, ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है। अब इसके प्रोसेस क्या होगा, इसके अंदर दो पादप होंगे अलग अलग होंगे, उस पादप के मतलब भाग होंगे, दोनों पादपों के अलग अलग भागों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और उनको इस तरीके से जोड़ा जाएगा कि वो संयुक्त होकर के क्या बना ले, एक नया पादप बना ले, जो कैसा हो हमारी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो वो कैसे कैसे प्रोसेस होगी, कौन कौन से प्लांट्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक का तो आपको समझ में आया, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर। देखिए संयुक्त होकर के नया पादप बना, अब इसके अंदर जो प्रोसेस होती है हमने बताया कि परिवर्तित होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि जो जो वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं जिसके अंदर रूट सिस्टम भी होता है वो अच्छे से विकसित होता है, तो उस टाइप के जो पौधे होते हैं, मतलब इनके अंदर जो हम बोल रहे हैं दो प्लांट्स होंगे, तो वो प्लांट्स किस किस टाइप के होंगे, देखिए इसके लिए दो टर्म यूज ली जाती है, वो कौन कौन सी, एक वर्ड आता है स्टोक और दूसरा आता है सीएन। एक वर्ड होता है स्टोक, दूसरा होता है सीएन, मेनली ये दो यूज लिए जाते हैं। तो ये क्या होंगे, ऐसे तो कोई होना चाहिए प्लांट, ये जो मेनली जो प्रोसेस है हम बोल रहे हैं दो पौधे, तो एक का तो स्टोक होगा एक का सीएन होगा, तब दोनों के मिलाकर क्या बनाया जाएगा, नया पादप बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टोक और सीएन क्या होते हैं। देखिए सीएन क्या होता है, एक प्लांट मतलब जिसपे जो दूसरा जो प्लांट होगा उसको क्या मतलब स्थापित किया जाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें स्टोक की, तो स्टोक क्या होगा, जैसे जो सुविकसित पादप होते हैं उनमें जो रूट सिस्टम होता है वो सुविकसित मूल तंत्र वाले पादप, उस पौधे को तो क्या बोलते हैं, हम स्टोक बोलते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, इसके अंदर सुविकसित मूल तंत्र, रूट सिस्टम जो होगा मूल तंत्र, उसका जो रूट सिस्टम होगा उस रूट सिस्टम वाले प्लांट को वो क्या होता है, उसको स्टोक बोलती है। दूसरा क्या हो गया, हमने बोला सीएन, इसका इस पर क्या जो स्थापित जो उत्तम गुणों वाले पादप होंगे उस प्लांट का जो स्टेम होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको सीएन बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में, इसमें क्या लिखेंगे, इस पर स्थापित क्या, क्योंकि देखिए हम ये दो पौधों को मिला क्यों रहे हैं, ताकि जो कम उन्नत किस्म का पादप है उसके अंदर हम अच्छी उन्नत किस्म, अच्छी किस्म का जो दूसरा प्लांट है उसको उसके ऊपर स्थापित करके और अच्छी किस्म का जीव प्राप्त, प्लांट जो है वो प्राप्त कर सके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि इस पर स्थापित कौन सा, किसका स्थापन किया जाएगा, जो इसका बेस्ट क्वालिटी होगी उसको स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, उत्तम गुणों वाले, उत्तम गुणों वाले, और कौन से पौधे, उत्तम गुणों वाला प्लांट होगा, उस प्लांट के स्टेम को, वाले प्लांट के स्टेम को, तने को, तने का स्टेम क्या कहलाता है,
वो ये CN कहलाता है, ठीक है। अब ये जो जनरली प्रोसेस जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो इन्हीं के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, इसके अंदर की जो प्रोसेस है वो किस किस तरीके से होगी। अब देखिए, इसके अंदर ये हो गया, अब इसके अंदर हमने जो पार्ट्स है वो रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर मेनली जिसको हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं वो कंप्लीट करना है। लेकिन अभी ये जो मैंने इतना बताया, मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए। पहला, दो प्लांट्स को जोड़ा जाएगा, ग्राफ्टिंग होगा। दो प्लांट्स होंगे, अलग अलग होंगे, उनके पार्ट्स को इस टाइप से जोड़ा जाएगा कि उसे क्या, तीसरा जो पादप होगा वो विकसित होगा। कैसे होगा? एक प्लांट का तो क्या लेंगे, इसका जो रूट सिस्टम वाला विकसित उस पौधे को लेंगे, उस दूसरा जो उसको तो स्ट्रॉक बोलते हैं, दूसरा क्या इस पर मतलब उत्तम गुण वाला जो पौधा होगा, जो मतलब इसके जो क्वालिटी होगी, इसकी जो वो बेस्ट होगी, तो उस उत्तम गुण वाले पादप का क्या लिया जाएगा, स्टेम लिया जाएगा, तभी तो स्थापित करके नया पादप विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली ये चीज़ें हम यूज़ लेते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। ये तो सभी अब तक बस बेस पार्ट था कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो क्या क्या हो सकती है। अब देखिए, हमने क्या बोला यहाँ पे, एक तो स्टोक और दूसरे से जो CN होता है उसकी क्या लेंगे, उसकी एक मतलब जो प्लांट जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी प्लांट होगा उसी का तो लेंगे, जो प्लांट हेल्दी नहीं होगा उसका तो हम क्यों लेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्या होगा, जो हेल्दी प्लांट होगा उसकी क्या लेंगे, एक स्वस्थ शाखा लेंगे, उसकी बिल्कुल हेल्दी ब्रांच लेंगे, उसको क्या ऊपर से और उतनी ही मोटाई, कितनी उतनी ही मोटाई की कलम को क्या करेंगे, नीचे से काट करके इन दोनों को बांध देंगे। तो इसके अंदर स्टेप कैसे होगा, CN का तो क्या लेंगे हम, प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम कैसे, इसकी क्या ली हमने, एक हेल्दी ब्रांच ली है, एक स्वस्थ शाखा ली है हमने, ठीक है। वो हेल्दी ब्रांच हमने ले लिए, उसको क्या सबसे पहले तो ऊपर से कट कर लिया, ठीक है। अब उसको तो ऊपर से और क्या स्थापित भी तो करना है उसको, ठीक है। उसको क्या उतनी ही मोटाई की क्या ले ली हमने, कलम, उतनी ही मोटाई की कलम। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस की जाएगी, वो जो कलम हमने ली है इनको क्या किया जाएगा, हमने क्या बोला, दो प्लांट्स होंगे, अलग अलग होंगे, उनके अंदर प्रोसेस की जाएगी, उतनी मोटाई की क्या ली हमने, कलम ली। अब इनको क्या क्या करेंगे, उसको काटें तो गए, उसको क्या कर दिया, नीचे से काट दिया, ठीक है। और उसको इस तरीके से बांधेंगे कि क्या हो जाए कि दोनों का जो संवहनी एदा वाला पार्ट है वो कैसे रहे, वो कांटेक्ट में रहे, जुड़े रहे, ताकि इनकी जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहे। वो कैसे रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहे, एक दूसरे के संपर्क में रहें। तो ये प्रोसेस किसके अंदर बतानी है आपको, मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ आपको इतनी प्रोसेस, इसलिए ताकि जो आपसे थ्योरी में पूछ सकता है इस टाइप के, तो आप इजीली कर सको, ठीक है। अब इतना जो पार्ट मैंने बताया आपको समझ में आया, पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए आपको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवा पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, पूरे प्रोसेस में स्टेप टू स्टेप इसीलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़े, कोचिंग वगैरह सोचना भी नहीं पड़े, ठीक है। तो ये स्टेप कौन है, सबसे पहले हमने क्या लिया, CN के वो जो शाखा है उनको बांध दिया, ठीक है। अब उनके अंदर क्या जो पूरा ट्रांसफर पदार्थ का वो होता रहे, इसी तरीके से हमने बांधा है कि ऊपर पर क्या रहे, दूसरे के संपर्क रहे। और थोड़े दिनों बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में वो जो कलम जो हमने बांधी थी, वो दो दोनों चीज़ें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इससे क्या हो जाएगा, नया पादप जो है वो क्या हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। कैसे, एक पादप का तो क्या लिया हमने, नीचे वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। उसके दूसरे का क्या है, उसको स्थापित करना है दूसरे को, ठीक है, उसको दूसरे को स्थापित कर, और उनको उनका कनेक्ट किस तरीके से किया कि उनका जो संवहन एदा वाला पार्ट मतलब जो प्रोसेस है वो इजिली उनके अंदर पदार्थों का ट्रांसफर हो सके, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आपने उसको तो बांध दिया है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो स्थापित हो जाएंगे, एक नया प्लांट जिसको हम बोलते हैं, एक नया पादप उनसे क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने बोला स्टोक और CN हमने बोला,
इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ऐसे बोला कि हमने उसको दोनों प्रोसेस को क्या करेंगे, उन दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि जो मतलब कलम, इनको हिंदी में बोलते हैं कलम और स्कंद जिसको बोल रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई एक ही इस विधि का कोई एक ही प्लांट है उसका एक ही स्कंद पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग किस्में जो है उनका ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जनरली तो क्या, जैसे जो जो गुदेदार फल होते हैं, कोई फल है और जो या फिर जो ऐसा लगा जो गुदेदार पादप जो होते हैं उनका क्या, उनकी किस्में जो होती हैं उनको बार बार यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस की जाती है। एग्जांपल कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, किसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर नींबू हो या ऑरेंज, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या जाता है, इस मेथड के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कैसे होगी। ठीक है, एक को तो आरोपित करेंगे, दूसरे पर आरोपित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों का जो कनेक्ट है वो इसी तरीके से रहेगा कि वो जो प्रोसेस है वो इजीली हो सके। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, मतलब उनसे जो वो पादप जो है वो नीचे का तो पार्ट दूसरे का है, ऊपर का पार्ट दूसरे का, उनसे तीसरा पादप बन गया जो उत्तम गुणों वाला है। तो इस टाइप का जो जनन होता है वो कौन सा होता है, वो ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग होता है, इसको कलम लगाना, मैंने आपको बोल दिया था कलम रोपण। ठीक है, जिसका स्थापित किया जाए उसको कलम बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है इनके अंदर जो ग्राफ्टिंग की क्रिया होती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पूरा स्टेप टू स्टेप आपको बताया है कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होगी। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है क्या आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं आज भी हम। आपको बताना है कि जो जैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ अलग तरीके से होता है, कुछ हटके चीज होती है उनके अंदर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो पादप होते हैं उनके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्रिया होती है, कैसे, उस क्रिया का नाम बताना है आपको। सिर्फ आपका क्वेश्चन ये है कि पादपों के, पादप क्या करते हैं, बहुत सारा जल अवशोषित कर लेते हैं और उस जल को वो क्या करते हैं, उस जल को वो बाहर निकालते हैं, तो वो मेथड कौन सा है आपको बताना है कि पादपों के द्वारा जो अवशोषित जो ज़्यादा जल होता है उसको कौन से विधि से, कौन से मेथड से बाहर निकाला जाता है, या कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा जल है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये कंडीशन आपको बतानी, इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका रिप्लाई क्या हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।